हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोटो जी 8 पावर लाइट एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आपकी कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम आती है तो आपके फ़ोन में, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी आपके फ़ोन में कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम आती है ना, तो आपको सबसे पहले तो करना क्या है, अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। ठीक है, रीस्टार्ट करने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन के साइड वाला ये जो पावर बटन होता है, इस पावर बटन को उंगली से दबा के रखना है। तो आपकी स्क्रीन के सामने एक छोटा सा पेज ओपन होगा, इस पेज में आपको ना ये रीस्टार्ट का ऑप्शन मिलता है, रीस्टार्ट पे आपको टैप करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल फोन जो है ना ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन जो है हैंग करता है, ठीक है, कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम आती है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो है वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। आप जो अपने फोन को एक बार जो रीस्टार्ट जरूर कर लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको एक इन्फॉर्मेशन और करने की, आपको है ना अपने मोबाइल फोन का जो कॉलिंग का रिचार्ज होता है ना, जो आपने करा रखा होता है कॉलिंग का रिचार्ज, वो आपको चेक करना है कहीं वो खत्म तो नहीं हो गया। कई बार ऐसा होता है हमारे कुछ जो कॉलिंग का रिचार्ज होता है ना, वो कई बार जो है खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे फोन में जो है कॉल एंडेड की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आपको ये कन्फर्मेशन सबसे पहले कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों, आगे के प्रोसेस में आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, कभी भी आपके फोन में कॉल एंडेड की प्रॉब्लम आती है ना, तो आपके मोबाइल फोन की जो नेटवर्क सेटिंग होती है, इसे आपको रीसेट कर देना है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है हमारे फोन की जो नेटवर्क सेटिंग होती है वो ठीक तरीके से काम नहीं करती, जिसकी वजह से हमारे फोन में कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आपको अपने फोन को नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के लिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे की साइड सिस्टम पे आपको टैप करना है। अब इसके अंदर आपको ये रीसेट ऑप्शन मिलेगा, इसे भी टैप करना है। अब इसके अंदर आपको सबसे ऊपर ये रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है। तो ये जो तीन सेटिंग आप देख रहे हैं ना, वाईफाई मोबाइल डेटा ब्लूटूथ, ये तीनों सेटिंग आपके मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग में इंक्लूडिंग पहले से रहती है। तो आपको इसे जो है नीचे की साइड रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। तो आपको अगले पेज में सबसे ऊपर लिखा हुआ मिलेगा रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग, आपको इसे नीचे की साइड रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। तो नीचे की साइड लिखा हुआ आ जाएगा थोड़ी देर में, नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। इस तरीके से आप जो फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देंगे तो आपकी जो कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस करना क्या है, देखिए आपके फोन का जो कॉलिंग का ऐप होता है, इस कॉलिंग के ऐप को आपको रीसेट करना है। ठीक है, देखिए इस कॉलिंग के ऐप को रीसेट करने के लिए आपको इसे जो है उंगली से दबा के रखना है इस ऐप को। तो एक छोटा सा पेज ओपन होगा, इस पेज में आपको ऐप इन्फो लिखा हुआ मिलेगा या फिर सर्कल में आई बटन बना होगा उसे टैप करना है। ठीक है, तो आपका ना ये वाला पेज ओपन होगा, इस पेज में आपको ये स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन मिलता है, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको ये दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो क्लियर स्टोरेज का, दूसरा क्लियर कैच का। आपको पहले से क्लियर कैच पे टैप करना है। ठीक है, तो नीचे की साइड आपका ये जो कैच के सामने वाला डेटा है, ये आपका जीरो हो जाएगा। इसके बाद आपको इसे क्लियर स्टोरेज पे टैप करना है, तो आपका ये डिलीट ऐप डेटा का पेज आएगा, इसमें आपको डिलीट पे टैप करना है, या फिर ओके का बटन है तो ओके पे टैप करना है। तो आपका नीचे की साइड यूजर डेटा के सामने वाला डेटा भी आपका जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कॉलिंग ऐप को रिसेट कर देंगे तो आपकी जो कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको आखिरी प्रोसेस करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट कर देना है। ठीक है, देखिए आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं, तभी आपको अपने फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज आपको अपने फोन को रीसेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो मोबाइल फोन को रीसेट करने के लिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज के अंदर आपको ना सबसे नीचे की साइड सिस्टम का ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अंदर आपको नीचे की साइड रीसेट ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको ये सबसे नीचे ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का। ठीक है, आपको फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन में कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर दीजिए। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है। तो ये सारे प्रोसेस आप यूज करिए तो आपके फोन में जो कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है,